माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सब पहले की तरह स्वस्थ मस्त और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फिलहाल है आज दिन संडे और टाइम हो चला है 1:12 और अभी फिलहाल हम लोग खड़े हैं हुल्लुंग नदी के ऊपर, मतलब ब्रिज पे। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो हम लोग बता देते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं बुरुडी डैम, जो कि यहाँ से डिस्टेंस है 35 किलोमीटर और 1 घंटा कुछ समय दिखा रहा है। तो हो सके तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा हम लोगों को। और आज भी मेरे साथ है अपना रंजीत। तो चल दिए, चलते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हैं, वो मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप के साथ और बाकी बातें बाइक पे। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले दिखा देते आपको यहाँ का व्यू, देख सकते हो कुछ ऐसा है। और नदी में जो है देख सकते हो बाढ़ आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी है, इतना एक्चुअली इस नदी पे होता नहीं है। और वहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, बंदा जो है नहा रहा है। और यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बोर्ड देख सकते हो, अब जो है आपका NS-33 मिलने वाला है। थोड़ी ही दूर में आपको NS-33 मिल जाएगा। हम लोग निकल गए हैं छोटा बाकी एक जगह है वहाँ पे। और यहाँ से जो है राइट साइड अगर आप जाते हो, मतलब ये राइट साइड, तो ये घाटशिला चल जाएगा, जो कि हम लोग भी उधर जाएंगे। और ये लेफ्ट चला जाएगा आपका रांची। तो आगे से डिवाइडर कटा हुआ है, तो हम लोग वहीं से लेंगे राइट, का कि हम लोग को जाना है लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ से अब हम लोग चल जाएंगे घाटशिला की ओर। तो करीब करीब 35 किलोमीटर जो है डिस्टेंस था उस ब्रिज से, अब यहाँ से होगा करीब करीब जो है 33 किलोमीटर, का 1.5 किलोमीटर ही हम लोग अभी तक आए हैं। तो चलिए अब करते हैं राइड को कंटिन्यू, रुकेंगे नहीं। वेदर काफ़ी अच्छा है आज भी, देख सकते हो कैमरे पे काफ़ी सुहाना मौसम है, हल्की हल्की धूप है और हवा जो है आज काफ़ी ज़्यादा तेज है। हो सकता है कि विंड नॉइस जो है आपको ज़्यादा सुनने को मिले। तो चलिए चलते हैं अब अपने डिस्टिनेशन की ओर। तो ये बोर्ड देख सकते हो, यहाँ से जो है घाटशिला 28 किलोमीटर, धलभूंगा 39 किलोमीटर, बहरागढ़ 71 और खड़गपुर 131 किलोमीटर। तो हम लोग को जो है घाटशिला तक ही जाना है और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब जो है ये 4 लाइन छोड़ के हमें मुड़ जाना है लेफ्ट, देख सकते हो। यहाँ से हम लोग को कुछ ये लेफ्ट जाना है, काशीदा लिखा हुआ ये वाला लाइन, काशीदा हुरलुंग पथ में आपका स्वागत है। बोर्ड देख सकते हो, सही दिखा रहा ना, ठीक है। तो चलिए अब ये बस्ती बस्ती होते हुए हम लोग को जाना है डैम तक, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। कितना किलोमीटर दिखा रहा है गूगल बाबा, कितना
7 किलोमीटर। अच्छा, तो 7 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो अपना दिखा रहा है गूगल रानी या गूगल बाबा बोल लो, देखते हैं रोड कैसा है, क्योंकि ये बस्ती होते हुए जाएगा। अभी तक तो जो रोड मिला है वो काफ़ी ज़बरदस्त रोड है। चलिए चलते हैं एक बार अपने डिस्टिनेशन तक और मिलते हैं वहीं पे आप सभी से। रोड और है बुरुड डैम के लिए सीधा बोल रहा है और ये राइट वाला पता नहीं कहाँ चल जाएगा। ये सीधा जाना है, है? अच्छा, तब जो है फिर एक रोड को छोड़ के हम लोग को कच्चा रोड पकड़ना पड़ा। ये रोड थोड़ा सा ख़राब है जो पहले के मुकाबले जो रोड था उससे। अब यहाँ से 6 किलोमीटर लगता है मुझे ऐसे ही रोड मिलेगा। ओए हाय हाय, और देख सकते हो रोड की परिस्थिति क्या ही है। ओ भाई साहब, आह क्या रोड है। ये रोड जो है काफी खराब परिस्थिति में, बारिश के दिनों की वजह से शायद ये रोड जो है खराब है, बट जो भी है कम से कम रोड तो है। चुके हैं बुरुड़ी डैम, देख सकते हो ये मेरे पीछे जो है ये डैम है, काफ़ी औसम डैम है। और क्या ही बोलूँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा धूप है। एक समय लगा था कि बारिश होगा बट जो है बारिश नहीं हुआ, और इस साल जो है काफ़ी कम बारिश होने की वजह से डैम में देख सकते हो पानी ही नहीं है। और चलिए आइए दिखाते हैं आपको यहाँ का कुछ नज़ारे। उससे पहले जब ये डैम जो भर जाता है तो इसी जगह से ओवरफ्लो होता है, देख सकते हो। और डैम जो है काफ़ी बड़ा डैम है, देख सकते हो बहुत दूर तक जो है डैम का एरिया बना हुआ है। उस पास शायद पता नहीं जाने का जगह है या नहीं है, बट उधर उस एरिया पे जो है जाने का जगह है। तो हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे नीचे से होते हुए ऐसे उस एरिया, और आपको उधर से भी दिखाएंगे उधर का व्यू। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पर आओ, काफ़ी मज़ा आएगा। नियरेस्ट है जमशेदपुर से, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब करीब 40 किलोमीटर जमशेदपुर से पड़ेगा। काहे कि हम लोग स्टार्ट किए थे आज हुडलुंग नदी ब्रिज के ऊपर से, तो वहाँ से 35 किलोमीटर था। तो चलिए अब उस पार चलते हैं डैम के और वहाँ से दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा।
ये डैम का और एक दूसरा हिस्सा है, मतलब दूसरा साइड है, देख सकते हो। इधर जो है काफ़ी ज़्यादा हरियाली है और शायद इधर जो है लोग पिकनिक मनाने के लिए ज़्यादा आते हैं उस एरिया के मुकाबले, क्योंकि उस साइड जो है पानी ही पानी है, बट इधर जो है आपको काफ़ी हरियाली मिलेगा। जगह जगह पे चूल्हे बने हुए हैं, तो पिकनिक के दिनों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार यहाँ आओ, विज़िट करो, काफ़ी अच्छा लगेगा और साथ ही इन्जॉय करो आप सिनेमेटिक। आज का वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, कैमरामैन रंजीत के साथ। Thank you.